हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज जो है इंटरनल ईयर की डिजीज होती है। और ये क्या होती है, डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और क्या क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर आते हैं, ये सभी बातें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं। तो इस डिजीज को, मेनियस डिजीज को जो है एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स बोला जाता है। मेनियस डिजीज साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। एंडोलिम्फेटिक का मतलब होता है एंडोलिम्फ, यानी इंटरनल ईयर के अंदर जो फ्लूड पाया जाता है उस फ्लूड का अमाउंट बढ़ जाना कहलाता है एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स कंडीशन। यानी ये अपन इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये अपना हो गया यहाँ से इधर एक्सटर्नल ईयर, ये हो गया अपना मिडल ईयर जिसके अंदर ओसिकल्स पाई जाती है, मेलियस, इंकस और स्टेपीज जो कि होती है। मेलियस जो होती है हैमर शेप होती है, इंकस जो होती है एनविल शेप होती है, और जो स्टेपीज होती है वो स्टीरप शेप होती है। ये हम लोग एनाटोमी में जानते हैं। नेजोफेरिंक्स के अंदर जो है यूस्टेकियन ट्यूब होती है, तो यूस्टेकियन ट्यूब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिडिल ईयर के बैलेंस को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। सबसे लास्ट में होता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो होती है तीन सेमी सर्कुलर अर्धचंद्राकार कैनाल्स होती है जो कि बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और एक होता है कोक्लिया जो कि ढाई राउंड होते हैं जिसके अंदर, और ये होता है हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। और इंटरनल ईयर को जो है क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, एट्थ क्रेनियल नर्व जो कि होती है वेस्टिबुलो कोक्लियर क्रेनियल नर्व, जिसमें दो ब्रांचेज होती है वेस्टिबुल और कोक्लिया। तो अब हम लोग समझते हैं कि इंटरनल ईयर के अंदर जो ये सैक होता है, इस सैक के अंदर क्या भरा रहता है, एंडोलिम्फ भरा रहता है। अब अगर एंडोलिम्फ का वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो जाए तो वो जो कंडीशन है वो कंडीशन कहलाती है मेनियस डिजीज, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अराइज होते हैं। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखते हैं कि अगर एंडोलिम्फ का ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए किसी भी कारण से, कॉजेज की लिस्ट हम लोग देखेंगे, उन कॉजेज की वजह से एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन जो है ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में जो है इंटरनल ईयर के अंदर क्या होगा, वेस्टिब्यूल्स के अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। अब प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से क्या होगा, डायलेशन होगा सेमी सर्कुलर केनाल्स का। ये जो अपने पास तीन केनाल्स है, इन केनाल्स का डायलेशन होगा, और डायलेशन होने की वजह से कई बार क्या होता है, प्रेशर की वजह से ये डैमेज हो जाती है। अब केनाल्स डैमेज हो जाएगी तो बॉडी की जो बैलेंस वाला कंडीशन है वो एबनॉर्मल, और अगर कोक्लिया डैमेज हो गया तो हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। क्योंकि हमें पता है हियरिंग के लिए कोक्लिया रिस्पॉन्सिबल है, और बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो अगर ये डैमेज होगी तो ये चीजें, और यहाँ पर जो है क्लासिकल ट्रायड साइन जो है परसिस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट है मेनियस डिजीज में, क्लासिकल ट्रायड साइन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने शो किया ट्रायड बना करके, तो ये ट्रायड हो गया अपने पास वर्टिगो, वर्टिगो यानी चक्कर आना, क्योंकि जब बैलेंस बिगड़ता है तो चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, एपिसोड ऑफ वर्टिगो एंड डिजीनेस भी इसको अपन लोग बोल सकते हैं। तो डिजीनेस एंड एपिसोड ऑफ वर्टिगो। दूसरा ट्रायड होगा सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जो कि एट्थ क्रेनियल नर्व का फंक्शन यहाँ पर लॉस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, तो एट्थ क्रेनियल नर्व की वजह से जो है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस पर्सन को सुनाई देना बंद हो जाएगा। तीसरा जो होता है क्लासिकल ट्रायड साइन वो होता है टिनिटस। टिनिटस मतलब कानों के अंदर जो है घंटी की आवाज़ सुनाई देना, रिंगिंग साउंड सुनाई देना। और चौथा साइन भी अगर पूछा जाए आपसे तो वो होता है फीलिंग ऑफ इंटरनल हियरिंग फुलनेस, यानी हियरिंग मिड इंटरनल ईयर के अंदर जो होता है फुलनेस फील होना, ये होता है अपना फोर्थ साइन। तो ये होते हैं क्लासिकल ट्रायड साइन। अब नेक्स्ट हम लोग जो है कॉजेज की बात करते हैं। तो कॉजेज जो होता है इसका इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि मेनियस डिजीज का एग्जैक्ट कॉज जो होता है अननोन होता है, यानी ये डिजीज जो है इडियोपैथिक होती है, इसकी एटियोलॉजी हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से देखा गया है एसोसिएशन कि इन कंडीशन में मेनियस डिजीज हो जाती है। जैसे कुछ स्पेसिफिक एलर्जीज हो जाती है उस कंडीशन में, ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, वायरस इन्फेक्शन या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, उसके अगर क्रोनिक कंडीशन है उस कंडीशन में भी मेनियस डिजीज कई बार डेवलप हो जाता है, या फिर किसी को ट्रोमा हो जाए, ट्रोमा होने की वजह से जो है अपने जो है एंडोलिम्फ जो होता है इम्बैलेंस हो जाए उस कंडीशन में हो सकता है, कुछ ड्रग्स की टॉक्सिसिटी अगर हो जाए जिसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है उस कंडीशन में भी ये चीज़ हो सकता है, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। इसके अलावा एनाटोमिकल मालफॉर्मेशन हो जाए, यानी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी ही हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे मम्स एंड सिफिलिस,
ये भी यहाँ पर इसके साथ में एसोसिएशन मिला है कि मम्स और सिफिलिस वाले पेशेंट्स में कई बार मेनियस डिजीज डेवलप हो जाता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री कुछ केसेस में 5 से 10% केसेस में जो है अगर फैमिली हिस्ट्री में मम्स मेनियस डिजीज है तो उस कंडीशन में भी ये हो जाता है। इसके अलावा जो है रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे स्मोकिंग है, टोबैको है एंड एल्कोहल है, तो ये भी ये इनको कंज्यूम करने वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर भी ये कंडीशन कई बार देखने को मिलती है। और एक और पॉइंट है यहाँ पर कि अगर जो पर्सन जो है सॉल्ट का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं यानी सोडियम क्लोराइड का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं उन पर्सन में भी वाटर रिटेंशन होने की वजह से जो है मेनियस डिजीज कई बार डेवलप हो जाती है। तो ये होते हैं रिलेटेड रिस्क फैक्टर या कॉजेज। बाकी इसकी जो मेन एटियोलॉजी है वो कैसी होती है, इडियोपैथिक होती है। सिम्टम्स की हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या साइन इन सिम्टम्स इस डिजीज में दिखाई देते हैं, तो हम लोगों ने जैसा डेफिनेशन में पढ़ा था क्लासिकल ट्रायड साइन होते हैं जिसके अंदर जो होता है वर्टिगो, एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो या फिर जो है डिजीनेस होता है, दूसरा सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस और तीसरा होता है टिनिटस। तो ये क्लासिकल ट्रायड साइन कहलाते हैं मेनियस डिजीज के। दूसरे होते हैं ऑडिटरी फुलनेस यानी हियरिंग फुलनेस यानी इंटरनल ईयर के अंदर जो होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस हमें को हम अपन को जो है हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट होता है सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग भी इस पर्सन को होती है क्योंकि यहाँ पर मोशन सिकनेस की कंडीशन जो है डेवलप होती है, तो मोशन सिकनेस की वजह से जो होता है यहाँ पर सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट जो होता है ड्यू टू एंजाइटी वहाँ पर टैकीकार्डिया भी हो जाता है पर्सन में, डिसओरिएंटेशन की कंडीशन यानी बैलेंस प्रॉपर नहीं कर पाता है पर्सन, सीवियर ईयर पेन भी होता है यहाँ पर इंटरनल ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है ड्यू टू फुलनेस, और सबसे लास्ट में हेडेक जैसी कंडीशन भी जो है इसके अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इस से रिलेटेड हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके साथ में जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री से पता लगा सकते हैं कि फैमिली के अंदर किसी को नहीं है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है रेनी एंड वेबर टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर एक ट्यूनिंग फोर्क होता है 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला स्टील का ट्यूनिंग फोर्क होता है जिसके अंदर रेनी टेस्ट के अंदर और वेबर टेस्ट के द्वारा जो है हम लोग सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उसका पता लगाते हैं। वेबर टेस्ट में जो ट्यूनिंग फोर्क हेड के मिड में रखते हैं, देन आफ्टर हम लोग दोनों साइड में जो है पूछते हैं पेशेंट से कि उसको कैसा सुनाई दे रहा है, जबकि रेनी टेस्ट के अंदर जो होता है मेस्टोइड प्रोसेस पे और एयर कंडक्शन यानी पे एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों को देखा जाता है। नॉर्मली जो होता है एयर कंडक्शन जो होता है ज़्यादा होता है बोन कंडक्शन से, तो इस कंडीशन ये कंडीशन जो होती है नॉर्मल कंडीशन कहलाती है, लेकिन यहाँ पर अगर उल्टा मिल रहा है इट मीन्स जो है उसको सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा कुछ केसेज में जो है MRI भी प्रीफर की जा सकती है। सबसे लास्ट में हम लोग जो है ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट जो है मेनियस डिजीज के पेशेंट में किया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी एमेटिक या मोशन सिकनेस को ट्रीट करने वाले, क्योंकि यहाँ पर सीवियर एपिसोड ऑफ वर्टिगो होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए जैसे सिनार्जिन है या फिर क्लोक्रोप्राजाइन है, इसका नाम जो है मार्केट के अंदर स्टेमेटिल के नाम से जो है मिलती है, तो प्रोक्लोरप्राजाइन या स्टेमेटिल यानी इसको शॉर्ट में PCP के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मेडिसिन दी जा सकती है। इसके अलावा जो है वेस्टिबुलर सप्रेसर होते हैं यानी वेस्टिब्यूल्स के सेंसेस को सप्रेस करने वाले, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, मैक्लिजाइन नाम से आती है, तो ये ड्रग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो होते हैं हाइड्रोप्स यानी प्रेशर को कम करने के लिए जो है डायरेटिक जो है दी जाती है यहाँ पर, जैसे थायराइड ड्रग्स होती है तो डायरेटिक के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है तो आप लोग देखना वहाँ पर जाकर के, डायरेटिक्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेटिक के अंदर जो है यहाँ पर अपने पास जो थायराइड्स होते हैं वो ड्रग्स यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा सेडेटिव जैसे कि डायजिपाम है वो यहाँ पर प्रेफर किया जाता है, सेडेटिव्स के ऊपर भी मैंने सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ये इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना रखा है तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। NSAIDs जैसे इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जो है NSAIDs दी जा सकती है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो फार्माकोलॉजी में मैंने अपलोड किया हुआ है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक्स दी जाती है अगर वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि अपन यहाँ पर कुछ एमिनोग्लाइकोसाइड्स है जिनको प्रेफर किया जा सकता है, लेकिन ये कन्फर्म होने के बाद ही दी जाती है कि अगर वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर कॉज है। देन आफ्टर कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन किए जाते हैं अगर मेडिसिन काफ़ी नहीं होती है उस टाइम पे जो है एंडोलिम्फेटिक डिकम्प्रेशन किया जाता है यानी उसको ड्रेन किया जाता है। इसके अलावा अगर इंटरनल ईयर को रिमूव करना पड़े तो वो भी वहाँ पर कर सकते हैं, और कुछ सर्जरी की जाती है जिसके द्वारा जो है इस कंडीशन को करेक्ट किया जा सके, तो ये होता है सर्जिकल इंटरवेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर अगर पूछा जाए कि प्रायोरिटी केयर क्या होनी चाहिए मेनियस डिजीज के पेशेंट की, कई बार पूछा जाता है कि प्रायोरिटी
मतलब मेनियर डिजीज के पेशेंट के केयर के अंदर क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो वहाँ पर प्रायोरिटी होती है प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, पेशेंट को इंजरी से बचाना ही क्या होना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, देन आफ्टर डिजीज को हम लोग क्योर करेंगे। तो इंजरी से प्रिवेंट करना क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीवियर एपिसोड ऑफ वर्टिगो होता है, तो हाई चांस होता है पेशेंट को इंजरी होने के। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स के अंदर कि डाइट कैसी होनी चाहिए पेशेंट की, तो डाइट के अंदर हमें ध्यान रखना है कि लो इन सोडियम, यानी ऐसी डाइट देना है जिसके अंदर सोडियम कम हो, बिल्कुल कम हो, नमक बिल्कुल बंद करना है जिसमें सोडियम पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसी डाइट दे सकते हैं हम उसे, लो सोडियम डाइट है उस पेशेंट को दी जा सकती है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो हमें कॉजेज में पढ़ा था कि अगर पेशेंट चाय कॉफ़ी यानी कैफीन लेता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और सबसे लास्ट में है स्लो मूवमेंट पर्सन को करने चाहिए, यानी हेड का जो मूवमेंट्स होता है उठते टाइम पे बैठते टाइम पे स्लो मूवमेंट्स होने चाहिए। अगर बेड लेटा हुआ है तो बैठ करके एक मिनट या 30 सेकेंड रुक करके उसके बाद वो स्टैंड करे, या फिर पर्सन जो है अवॉइड कर सकता है, उसको छींक या स्नीजिंग या कफिंग आती है तो उन चीज़ों को भी वो चीज़ उसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो अगर स्नीज या कफिंग करेगा तो एंडोलिम मूवमेंट होगा जो कि बड़ा हुआ है, तो सिम्टम्स अराइज होंगे, तो उस चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो पेशेंट को ये चीज़ें सिखाना है, इंस्ट्रक्स करना है, एजुकेशन देना है। अगर आपसे पूछे क्या एजुकेशन देनी चाहिए, तो ये एजुकेशन उस पेशेंट को हम लोग जो है दे सकते हैं। डाइट कैसी होनी चाहिए, लो सोडियम डाइट उस पेशेंट को दी जानी चाहिए। तो ये था इस डिजीज का ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट जो है आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।